गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक होगा आपके चैप्टर विंड साइक्लोन एंड थंडर स्टॉर्म के चैप्टर का टॉपिक है हाउ विंड इज प्रोड्यूस, हवा कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर विच डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। यानी कि जो हवा का मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एयर प्रेशर के डिफरेंस पे। दो जगहों का, टू रीजंस का, यदि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर होता है, उसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है एयर का मूवमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसने कहा कि जो हवा होती है वो मूव करती है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। वही जैसे हमारी हीट हमेशा हाई से लो तरफ जाती थी, ऐसे ही हमारी एयर जो होती है वो भी हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि जो हवा होती है हमारी वो हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एयर प्रेशर में उतनी ही फास्टर क्या होगी, हमारी एयर मूव करेगी। और जो स्पीड होती है विंड की वो डिपेंड्स करती है कि एयर प्रेशर में कितना डिफरेंस है, दो जगह के एयर प्रेशर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर वो एयर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा है तो जो हवा है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी, और यदि वो कम है तो हवा बहुत धीरे धीरे, अनइवन ना सॉरी कि धीरे धीरे क्या करेगी, ब्लो करेगी। अब इसने कहा कि जो एयर प्रेशर का, जो हवा का जो मूवमेंट है, एयर प्रेशर का डिक्रीज होना इंक्रीज होना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसने कहा कि हमारे अर्थ के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे आपने पोलर रीजन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर लाइन सब पढ़ा है आपने। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे अर्थ के कुछ रीजंस के ऊपर अनइवन हीटिंग जो हो जाती है, किसकी वजह से होती है अनइवन हीटिंग, सूरज की किरणें आने की वजह से जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, विंड मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन डिफरेंट रीजंस, क्या लिखा है इसने, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इन डिफरेंट रीजंस इज द मेन कॉज ऑफ विंड मोमेंट। विंड मोमेंट का मेन कॉज क्या है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हमने देखा कि जहाँ पर एयर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा था वहाँ एयर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, फास्टर ब्लो कर रही थी, वो हमने देख लिया। अब इसने कहा कि द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब आपको पता है जो मध्यम लाइन होती है हमारी, जो हम पढ़ते हैं जैसे कि हमने अर्थ बनाई है। ठीक है, अब अर्थ पे ये जो इक्वेटर लाइन होती है बीच में, इसकी जो दूरी होती है सन से वो बहुत कम होती है। सोचो ये सन है, ठीक है, तो इसकी जो दूरी होती है वो सन से बहुत कम होती है। ये पोल्स होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये आपकी इक्वेटर लाइन है। तो इसने क्या कहा कि जो इक्वेटर लाइन होती है जिसकी डिस्टेंस हमारे सन से बहुत ही क्या होती है, मिनिमम होती है, तो यह रीज़न जो होता है इक्वेटर ऑफ अर्थ का, अनइवन हीटिंग की वजह से जो हमारा इक्वेटर ऑफ अर्थ का जो रीजन होता है वहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम हीट प्रोवाइड की जाती है सन के द्वारा, क्योंकि वो बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर होता है और वहाँ का रीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, और जैसे ही हम इक्वेटर से दूसरी साइड जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सन की जो हीट होती है वो धीरे 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 डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि कम पहुंचती है, तो वहाँ पर कूलर क्लाइमेट होता है हॉट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन पे कैसा क्लाइमेट होता है हमारा, मैंने क्या बताया, जो हमारी अर्थ की इक्वेटर लाइन होती है जो सन के बिल्कुल पास होती है वहाँ पर तो हॉट होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूरज की सीधी किरणें आ रही हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ये वाले पोल्स हो गए आपके नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो सूरज की किरणें हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, कूलर क्लाइमेट हो जाता है। ठीक है, तो इसने कहा पोल्स के ऊपर जहाँ पर हमारे अर्थ के बीच में, और तो इसने बताया इसलिए जो पोलर रीजन्स होते हैं वो अर्थ सन से थोड़ी डिस्टेंस पे होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, और जो इक्वेटर लाइन होती है वो सन के पास होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है। ठीक है, तो इसने कहा जो एंगुलर डिस्टेंस होती है रीजन्स की, जैसे नॉर्थ से साउथ पोल की, इक्वेटर लाइन की, वो हमें क्या रिप्रेजेंटेड करती है, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करती है, जो डिग्रीज में हम वो करते हैं। ठीक है,
तो मैं क्या बता रही थी कि जैसे ही हम जो एंगुलर डिस्टेंस होता है हमारा इक्वेटर लाइन से पोल्स की तरफ जो होता है उसको हम लैटिट्यूड में काउंट करते हैं और वो डिग्रीज में काउंट किया जाता है। जैसे इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री लैटिट्यूड हम मेजर करते हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर 90 डिग्री N, देखो 90 डिग्री N यानी कि इक्वेटर से 90 डिग्री N लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड हम क्या करते हैं काउंट करते हैं, साउथ पोल पर 90 डिग्री S करते हैं। और यदि मैं बोलूं कि मेरा लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अर्थ के ऊपर एक ऐसा प्लेस जहां पर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर यानी कि जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है उस पर 30 डिग्री का एंगल बना के नॉर्थ साइड में, ठीक है, आ गई बात समझ में सभी को। और ऐसे ही यदि मैं बोलूँ 60 डिग्री नॉर्थ तो इसका मतलब है कि इक्वेटर से 60 डिग्री पर, ठीक है, और यदि मैं साउथ की तरफ बोलूँ तो वो साउथ की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ में आ गया। तो ऐसे ही हमारी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हमारे नेचर के अंदर जो आपकी विंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। अब इसने कहा विंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ बाय द सन। अब ये तो आपको पता है कि जो हवा होती है वो हमारे अर्थ सरफेस पर अनइवन हीटिंग होने की वजह से, किसकी अनइवन हीटिंग होने की वजह से, कौन देता है वो हीट, कौन करता है अर्थ को, सूरज की किरणें करती हैं, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, एयर प्रेशर में इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। और मैं ये आपको बता चुकी, जहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहाँ से हमेशा एयर क्या होती है हाई से लो की तरफ, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ क्या करती है, ब्लो करती है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एक नंबर में आ जाए कि हाउ विंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द, तो आप क्या बताओगे, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय द सन, ठीक है। अब इसने कहा कि जो अनइवन हीटिंग होती है जिससे विंड प्रोड्यूस होती है वो दो सिचुएशंस में होती है, कौन कौन से सिचुएशन में, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, कि या तो अनइवन हीटिंग इक्वेटर और पोल्स के बीच में हो, या फिर अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द ओशियन, जो ओशियंस के वाटर होते हैं उसके बीच में और लैंड के बीच में, धरती के बीच में और पानी के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है, या उसकी वजह से हो, ठीक है। तो इसने बताया सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम, विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर्स एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, और वो मैं आपको कुछ हद तक बता चुकी हूँ कि जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है वो हमारे सूरज से बहुत ही कम दूरी पर होती है, इसलिए वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादातर मैक्सिमम हीट पहुँचती है, इसलिए क्या होता है वो वार्म रहता है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है, ठीक है। और जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है, आपको पता ही है वो कहाँ की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स अप टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, अब इसने कहा कि जो ठंडा एरिया है जो कहाँ तक 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के बोथ साइड, यानी कि ये मैंने आपका इक्वेटर लाइन बनाई है तो ये नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड, तो इक्वेटर की दोनों साइड, ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड, दोनों पोल्स के साइड में 30 डिग्री की तरफ क्या होगा, हाइयर प्रेशर होगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, रशेस टूवर्ड्स द इक्वेटर टू टेक प्लेस द वार्म राइजिंग एयर, अब इसने कहा कि जो 30 डिग्री इक्वेटर लाइन से 30 डिग्री पर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से जो हवाएं होंगी वो ऐसे जाएंगी कि गर्म हवा तो ऊपर चली जाएगी और यहाँ से हवाएं नीचे आने, कोल्ड एयर रिप्लेस करती है ना गर्म हवा को, ठीक है, आ गई बात समझ में। ऐसे ही क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से इक्वेटर की तरफ क्या होंगी, हवाएं बहेंगी, ठीक है। और यदि हम दोबारा से एग्जाम्पल लें, अगेन द एयर एट द लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 60 डिग्री, तो बोथ साइड में वही गर्म 60 डिग्री की तरफ से आने लग जाएंगी वही हवाएं, ठीक है, आया समझ में इतना सभी को। अब इसने बताया कि जो देखो ठंडे रीजन, पोलर रीजन जो होते हैं हमारे ठंडे रीजन होते हैं, ठीक है, और जो हमारा इक्वेटर होता है वो हमारा कैसा रीजन होता है, हॉट रीजन होता है। तो ये देखो आपको अर्थ बनाकर दिखा रखी है, यहाँ पे आपको हवा भी बहती हुई दिखा रखी है कि कैसे पोल्स की तरफ से, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ से कैसे कैसे हवा का डायरेक्शन हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, 30 डिग्री साउथ से, 30 डिग्री नॉर्थ से भी आ रही है इक्वेटर की तरफ, ठीक है, और 60 डिग्री 90 डिग्री से भी दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हवा हमेशा क्या होती है, एयर प्रेशर क्या होता है, हमेशा हाई टू लो की तरफ हमेशा मूव करता है, आई बात समझ में सभी को। फिर इसने बताया कि द वाइन प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग की वजह से जो हवा प्रोड्यूस होती है इक्वेटर पर वो क्या होती है,
बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स डू नॉट ब्लो इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्लो नहीं करती. क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं. किस वजह से? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. ये हमेशा ऐसे ही नहीं बहेंगी, ये ऐसे भी हो सकती हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट होती रहती है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर था विंड प्रेडिक्शन का, जो कि कंप्लीट हो गया है. किसकी वजह से? विंड प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स. अब दूसरा मेथड है हमारा, विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द ओशियंस. तो आपने हीट वाले चैप्टर में आपने देखा था, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़े थे हमने, देखा था कि दिन के टाइम कैसे हमारी लैंड जो होती है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की हवा ज़्यादा गर्म होती है और समुद्रों की ठंडी होती है. ठीक है, और रात के टाइम समुद्र की गर्म होती है, रेत की ठंडी होती है. ठीक है, तो इसने कहा समर्स में हम क्या देखते हैं कि जो इक्वेटर, समर्स के अंदर जो इलाका होता है इक्वेटर के आसपास, वो क्या हो जाता है, जल्दी से फास्ट अप हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. ठीक है, और जो पानी होता है वो उस टेम्परेचर पे लैंड के टेम्परेचर में क्या होता है, ठंडा रहता है वाटर का. ठीक है, और लैंड का क्या होता है उस टाइम पे, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाईर टेम्परेचर होता है लैंड का. कब? दिन में. और कौन से सीजन की बात कर रहे हैं हम? समर सीजन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसने कहा द एयर कवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया. अब वही बात है भाई, ये मेरी कोई भूमि है, ठीक है, ये मेरी लैंड है और यहाँ पर मेरा ओशियन है. ठीक है, और समर के डेज चल रहे हैं, सन सन से जो हीट आ रही है उसकी वजह से क्या होगा, मेरी अर्थ का सरफेस जल्दी से गर्म हो जाएगा, हवा यहाँ की गर्म हो जाएगी, और जैसे ही वो गर्म होगी वो ऊपर की तरफ राइजेज अप हो जाएगी. ठीक है, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ राइजेज अप हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ओशियन है, तो ओशियन की हवा ठंडी है, तो क्या होगी, ठंडी हवा इस गर्म हवा की अपनी जगह ले लेगी, तो क्या होता है, वो सी ब्रिज बनता है ना, आपने पढ़ा था से फोर्थ चैप्टर जब हमने पढ़ाया था हीट वाला, तो उसमें बताया था कि सी ब्रिज बनता है. तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर था और यहाँ पे लो प्रेशर था, तो मैंने बताया हमेशा हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी. ठीक है, तो इसने कहा द विंड ब्लोस फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड, कि समुद्र की तरफ से जो जमीन की तरफ जो हवा बहती है समर सीजन में, उसे हम मानसून विंड्स बोलते हैं. कौन से विंड्स बोलते हैं? मानसून हवा, जो है जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में पिरवा हवा बोलते हैं, पिरवा हवा चलती है तो बारिश आती है, ऐसे बोलते हैं ना. तो वो क्यों होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ मूव करती है. इतना आया समझ में? अब इसने कहा जो मानसून विंड्स होती हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स लेके आती हैं ओशन से. ठीक है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बरसात होती है. ठीक है, वाटर साइकिल जो होता है नेचर के अंदर उसका एक पार्ट है ये, इवेपोरेशन कंडेंसेशन जो भी है. अब इसने कहा इंडिया के अंदर जो लैंड, स्पेशली राजस्थान में डेजर्ट मरुस्थल वाली जो लैंड होती है, वो समर्स में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है. ठीक है, और जो ओशियंस होते हैं इंडियन ओशियंस, वहाँ से क्या होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो जनरेट कर लेती हैं, और वो डायरेक्शन क्या होती हैं उनकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है हमेशा. मानसून विंड्स जो होती हैं वो हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती हैं, जो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स लेके आती हैं और हैवी रेन्स भी होती है. तो क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि मानसून विंड्स की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्शन के रूप में, तो आप क्या बोलोगे, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती हैं, जो हमेशा बहुत ज़्यादा तादाद में बरसात लेकर आती है. ठीक है, और समर सीजन्स में इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो उस टाइम पे फसलें वगैरह उगाते हैं, तो वो बरसात उनके लिए अच्छी भी होती है. अब देखो ये दिखा रखा है, यहाँ पे आपके दो मैप दिखा रखे हैं, इसमें दिखा रखा है वाइन ब्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, समर सीजन्स में जो साउथ की तरफ से, नीचे वाला हिस्सा साउथ ही होता है ना हमारा, साउथ से कहाँ की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है. ठीक है, क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ से हॉटर लैंड को हॉटर एयर की जगह रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, और क्या होता है जब हमारी विंटर सीजन के अंदर जब हमारी लैंड कूल हो जाती है और वाटर जो होता है वो नहीं होता, तो उस टाइम वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो देखो अब नीचे से ऊपर आ रही है, नॉर्थ से वेस्ट आ रही है, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में. ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे हमारी हवाएं प्रोड्यूस जो होती हैं.
तो मैंने क्या बताया, विंटर सीजन में हवा हमेशा लैंड से ओशन की तरफ बहती है और समर सीजन में हमेशा ओशन से लैंड की तरफ बहती है। तो वही स्काई ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। समर सीजन में तो साउथ टू वेस्ट जाती है और विंटर सीजन में नॉर्थ टू वेस्ट जाती है। ठीक है, तो वो हमारी किसकी डायरेक्शंस हो गई, हमारी विंड की डायरेक्शंस हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ से यही अराइज होता है, समर सीजन में कौन ठंडा रहता है, कौन गर्म होता है, कौन किसकी जगह रिप्लेस करता है, तो वो सब आप बता सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अगले क्लास में हम अपने अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ये टॉपिक हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।